बोकारो जिला बेरमो अनुमंडल अंतर्गत तेनुघाट अधिवक्ता संघ के सदस्यों के द्वारा पिछले 6 जनवरी से न्यायिक शुल्कों में अप्रत्याशित वृद्धि को लेकर न्यायिक कार्यों में अलग रखा जा रहा है, जिसे लेकर अधिवक्ता संघ के सदस्यों के द्वारा संघ के अध्यक्ष कामेश्वर मिश्रा एवं महासचिव वकील प्रसाद महतो की अगुवाई में मुख्यमंत्री, झारखण्ड सरकार, मुख्य न्यायाधीश झारखण्ड उच्च न्यायालय और न्यायाधीश प्रभारी बेरमो तेनुघाट के नाम का ज्ञापन अनुमंडल पदाधिकारी बेरमो को सौंपा गया। आइए देखते हैं उन सभी का इस ज्ञापन में क्या मांग है। संवाददाता इश्तियाक अहमद की रिपोर्ट में। पिछले लगभग 4-5 दिनों से आप लोग जो न्यायिक कार्यों से खुद को अलग रखे हुए, उसका कारण क्या है? ऐसा है, राज्य सरकार ने जनता के हित को कुठाराघात पहुंचाते हुए न्यायिक शुल्कों में जो अनायास वृद्धि की है, उस बिल को वापस करने संबंधी हमारी पहली जो सरकार से मांग है वह यह कि वह जो न्याय शुल्कों में वृद्धि का जो बिल है उसे अविलंब वापस ले। दूसरा, अधिवक्ताओं के हित से संबंधित है, वह है कि अधिवक्ता सुरक्षा कानून सरकार अविलंब लागू करे। तीसरा है, अन्य राज्यों की भांति प्रत्येक वार्षिक बजट में अधिवक्ताओं के हित के लिए वो एक निश्चित राशि की घोषणा करे और सभी राज्य के अधिवक्ताओं के सुरक्षा के लिए वो सुरक्षा कानून अविलंब लागू करे। साथ ही साथ उनके इंश्योरेंस का गारंटी सरकार ले। इन्हीं सब 4 आवश्यक मांगों को लेकर हम सरकार के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने को उसके विरोध में, सरकार के विरोध में हम नए कार्यों से अपने आप को अलग रखा है। फिर क्या कहाँ जाना है इस रैली के बाद? आज जो प्रदर्शन हुआ उसके बाद सरकार के प्रतिनिधि होने के नाते माननीय अनुमंडल न्यायिक अनुमंडल पदाधिकारी को एक ज्ञापन, अपने इन्हीं 4 मांगों के समर्थन में एक ज्ञापन सौंपा जाएगा और आज का कार्यक्रम यही स्थगित किया जाएगा। और हम लोगों का यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक सरकार हमारी इन 4 मांगों को मान नहीं लेती। सरकार जो है, केंद्र सरकार चाहे जो भी अभी झारखंड सरकार है, वो न्याय शुल्क में आप प्रत्याशित वृद्धि कर दी है, कहीं 4 गुना, कहीं 10 गुना, कहीं 100 गुना वृद्धि हो गया है। आज लोग अपनी मांग के लिए, अपनी न्याय के लिए कोई किसी का जमीन अगर कोई माफिया लूट रहा होता है तो उसके पास विकल्प एक ही है कि वो कोर्ट जाएगा, और कोर्ट जाने से रोकने के लिए ये माफियाओं का साजिश है जिसमें मुख्यमंत्री भी शामिल हो चुके हैं और ये चाहते हैं कि इतना कोर्ट फीस बढ़ा दे तो न्याय और पूरा तत्काल की हड़प ले और के खिलाफ हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि जो आप बढ़ा हुआ कोर्ट फीस में जो अप्रत्याशित वृद्धि किए हैं उसको आप वापस लें।